दुश्मन आज उतना मजबूत नहीं जितना पहले था, तो वो आपके सामने आकर सामने से वार नहीं करेगा। आप लोगों के बीच में रहकर एक बहरूपीय के रूप की तरफ में आप लोगों के बीच में रहकर आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। परंतु साथियों, अब समय आ गया है कि ऐसे बहरूपीय जो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाकर मान्यवर साहब को, बाबा साहब को अपना महान नेता मानकर जय भीम के नारे लगाकर आप लोगों को कहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी अब पुराने जमाने की पार्टी है, तो ऐसे लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। साथियों, बहरूपियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी बहुजन समाज पार्टी का वोट काटकर इधर उधर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करे। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को समाज में बीच में लाकर जूता मारकर उनको उनकी औकात दिखाने का। पिछले कुछ समय से विपक्षी पार्टियां खूब पैसा बहा रही है, ऐसे चमचों को फंड करती है, ऐसे छुटपुट लोगों को पैसा देकर आप लोगों के बीच में भेजकर इनको आपको गुमराह करने की कोशिश कराती है। आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है? आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है? ये धरना सेटों से पैसा उठाती है। साथियों, ये वो पार्टियां हैं जो पिछले सिर्फ छह सालों में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेटों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा, आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेटों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। वो भी नहीं करा दिया क्योंकि ये लोग रोजगार नहीं देना चाहते। ये चाहते नहीं कि किसी तरह आप रोजगार में आ जाए, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल जाएगा तो बाबा साहब ने जो आपके लिए आरक्षण तय किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आपको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आपको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये साथियों सोची समझी साजिश है इन लोगों की कि आपको आपकी पढ़ाई से, आपके इतिहास से, आपके आरक्षण से आपको दूर करना चाहते हैं। गद्दार कहते हैं, गद्दार, ये पार्टी गद्दार है, ये आपकी गुनहगार है। साथियों, इनका समय पूरा हो गया है। जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। साथियों, कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार नहीं है? आप ही बता दीजिए। बुलडोजर उन्हें भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ,
सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ भाई, पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है, वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को बड़ा आगे बढ़ाने का काम करेगा।